12 क्रिस्टल्स देंगे ईच रिप्रेजेंटिंग दीज एट्रीब्यूट्स लाइक एक देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बना रखे आप देख पाएंगे दिस क्रिस्टल इसके ऊपर मैंने लाइफ लिखा हुआ है ठीक है और ये मैजिक मैजिक दूसरे वाले का है ये मून है दिस इज मून मैंने मून स्टोन को रेनबो मून स्टोन को मून बना दिया ठीक है ऐसे हम यहाँ पे ना 12 क्रिस्टल्स ले लेते हैं लाइक दिस इज मर्करी मैंने इसको मर्करी बना दिया देखिए ग्रीन है ना इसको मैंने इसको मर्करी बना दिया दिस इज वीनस दिस इज लव ऐसे ही ये 12 क्रिस्टल्स हमने ले लिए इसमें अर्थ नहीं है जुपिटर आप ऐसे अपने क्रिस्टल्स ले लीजिए और उसको जो जो यहाँ पे लिखा है वो बना लीजिए दिस इज होम ठीक है अब हर किसी इसके ना अलग अलग मीनिंग होंगे मैम कोई भी क्रिस्टल हो सकते हैं ना ये देखिए मैंने ना अप्रोक्सीमेटली रिलेट किए हैं जैसे लव इज ऑलवेज रोज क्वार्ट्ज ठीक है वीनस मैंने इसलिए ले लिया है ये है आपका मूकाइट मूकाइट में हम वीनस की प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं ठीक है और जुपिटर है तो जुपिटर इज वेरी डीप क्रिस्टल नॉलेजेबल तो मैंने लैब्राडोराइट तो मल्टीपर्पज क्रिस्टल होता है इसलिए जुपिटर लैब्राडोराइट मैंने बहुत यूज किया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल होता है इसको मैंने स्पिरिट एक हमारा स्पिरिट भी होता है तो मैंने स्पिरिट में भी देखो लैब्राडोराइट है इसको मैंने स्पिरिट में भी यूज किया है लैब्राडोराइट को ठीक है अगेन आई हैव यूज्ड लैब्राडोराइट इन अर्थ लैब्राडोराइट क्लियर क्वार्ट्ज है ना ये सारे क्रिस्टल्स एकदम कॉमन होते हैं तो आप उसको जो आपकी अवेलेबिलिटी लाइक दिस ब्लू क्रिस्टल मैंने सैटर्न के लिए यूज किया है रिलेट किया है सारा ठीक है आपके पास जो जो अवेलेबल है आपको रिलेट करके आप या तो 12 क्रिस्टल का सेट बना लीजिए एक ये होता है ओके फॉर्च्यून में कौन सा रखे के अंदर देखिए मैंने ना फॉर्च्यून के अंदर ये रखा है कहाँ गया मेरा फॉर्च्यून तो होम है आपको जो क्रिस्टल सबसे अच्छा लगता है उसको फॉर्च्यून में रख सकते हैं लाइक इट कैन बी सिट्रीन आल्सो है ना सिट्रीन को हम एसोसिएट करते हैं फॉर्च्यून से हम पायराइट को भी फॉर्च्यून से एसोसिएट करते हैं जो आपके लिए फॉर्च्यून के साथ आप एसोसिएट जैसे ग्रीन एवेंचुरीन है हम उसको भी फॉर्च्यून से कर सकते हैं देखो जैसे मैंने ये सी दिस क्रिस्टल ठीक है मॉस अगेट इसको मैंने फॉर्च्यून से कर लिया क्योंकि मॉस अगेट अगेन ग्रीन कलर क्रिस्टल है एंड इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ फर्टिलिटी है ना अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी ग्रीन क्रिस्टल है तो मैजिक मैजिक देखिए व्हाटएवर आपके लिए जो रिलेट करता है मैंने मैजिक को रिलेट किया है इट इज मेरा मैजिक कहां गया मेरे पास ही था मेरा मैजिक एक मिनट मेरा मैजिक लैब्राडोराइट से ही कर दिया मैंने कॉमन क्रिस्टल है मैजिक में तो सब कुछ बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं बिकॉज अभी तक व्हाट इज मैजिक जो चीजें हमें अभी तक नहीं पता वो मैजिक है अचानक वो हो जाती है तो हमारे लिए जादू लगता है ना तो हमें तो बहुत सारी चीजें नहीं मालूम मैजिक तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लाइफ कोई भी अगेन लाइफ में आप कुछ भी ले सकते हैं जो देखिए सिट्रीन ले लो क्लियर क्वार्ट्ज ले लो लैब्राडोराइट ये तीन क्रिस्टल से एकदम कॉमन है मैंने लाइफ लिया है सनस्टोन ले सकते दिस इज ट्री अगेट को लाइफ हमारी ट्री जैसी होती है ना अपसाइड डाउन लाइफ जो ऊपर है वो नीचे है तो मैंने इसे ट्री अगेट को लाइफ ले लिया अपने आप एसोसिएट कीजिए है ना हमें अपने आप जब क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हम सबको पता चली गई है अब क्या कीजिए जो हमने बेसिक में किया था सारे 30 क्रिस्टल्स लिस्ट डाउन कीजिए शॉर्ट फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टीज उनके सामने लिख लीजिए जब भी आपको कुछ भी करना हो जस्ट उस लिस्ट को देखे आपको धीरे धीरे याद होने लगेगी लिस्ट ओके लाइफ नाउ व्हाट यू हैव टू डू टेक ऑल दीज 12 क्रिस्टल्स कुछ ऐसा बॉक्स टाइप ले लीजिए जैसे हम लूडो नहीं खेलते थे डाइस को शफल करने के लिए देन वी थ्रो डाइसेस सिमिलर वे एक ये 12 स्टोन हो गया